के लगभग 70 नक्सल पीड़ित परिवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दोपहर में मुलाकात करेंगे और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ये मुलाकात उन परिवारों की पीड़ा को सरकार के सामने रखने की कोशिश है जिनके परिजन नक्सली हिंसा में मारे गए या फिर दिव्यांग हो गए। पीड़ित परिवारों ने सरकार से नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही स्थायी शांति और सुरक्षा बहाल करने की भी अपील की गई है। तो देखिए, हमने आपको कुछ देर पहले वो तस्वीर भी दिखाई थी जब आदिवासी वायु सफ़र करके पहुंचे हुए हैं दिल्ली और यहाँ पर गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात का जो मकसद है वो ये है कि नक्सल पीड़ित परिवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दोपहर में मुलाकात कर अपनी पीड़ा बयां कर सकें और इस दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। ये मुलाकात उन तमाम पीड़ित परिवारों के लिए सरकार के सामने कोशिश है अपनी पीड़ा व्यक्त करने की जिनके परिजन नक्सली हिंसा में मार दिए गए या फिर दिव्यांग हो गए हैं या फिर अब उनके सामने किसी भी तरीके का कोई रास्ता बचा नहीं है। पीड़ित परिवारों ने सरकार से नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेरणा और समर्थन से बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल पीड़ितों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया और इस महत्वपूर्ण कदम के लिए उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री साय ने बस्तर क्षेत्र में नक्सली हिंसा से प्रभावित ग्रामीणों से कई बार संवाद किया और उनके दुख दर्द को समझा। उन्होंने महसूस किया कि इन पीड़ितों की समस्याओं को सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद नक्सल पीड़ितों ने जंतर मंतर पर अपने अधिकारों और शांति की मांग को लेकर सबके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और माओवाद हटाओ बस्तर बचाओ का नारा बुलंद करते हुए मदद की गुहार लगाई गई है। जो नक्सलवाद का समस्या है अगर 40 वर्षों से कायम है और इस नक्सलवाद के कारण हमारे बस्तर के निर्दोष 8000 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी जान गंवाई है और नक्सलवाद के दंश के कारण बस्तर का जो आम जनजीवन है, हमारा जो आदिवासी जनजीवन है, वो आज किस तरह से प्रभावित है, किस तरह से नरकमय जीवन जी रहे हैं जो नक्सल प्रभावित नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें कम से कम अभी 55 सदस्य आज हमारे शांति समिति के माध्यम से दिल्ली आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ बस्तर के शांति समिति के जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं और धरना दे रहे हैं और इनकी मांग है कि बस्तर में जो पिछले 4 दशक से अशांति फैली है वो ख़त्म होनी चाहिए, उस अशांति को ख़त्म करें, यहाँ शांति हो और इस नक्सल समस्या से जो पीड़ित लोग हैं वो यहाँ हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों को खोया है या नक्सलियों के हमलों में या उनके क्रूरता के चलते अपने शरीर के अंग खोए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है नक्सलियों की वजह से, उनके क्रूरताओं की वजह से। आप देख सकते हैं कई यहाँ पर लोग हैं जिनके साथ हादसा हुआ है और जो नक्सल के पीड़ित हैं और अब चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो, यानी बस्तर में शांति हो और इस शांति की मांग के लिए यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं और दोपहर को करीब 3:30 और 4 बजे के आसपास अपनी इसी मांग को लेकर तमाम बस्तर के ये जो करीब 40-50 परिवार के लोग आए हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो नक्सल की समस्या का दंश 4 दशक से झेल रहे हैं वो खत्म हो। शुरू करेंगे संवाददाता आकाश शुक्ला रायपुर से जुड़ गए। आकाश, आप पीड़ित आदिवासी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, दोपहर में गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये पूरी समस्या सिर्फ राज्य तक सीमित ना रहे बल्कि दिल्ली तक भी पहुंचे और इसका एक सुरक्षित पुख्ता समाधान होना चाहिए। आकाश, जी बिल्कुल, देखिए बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार भी संकल्पित है और पूर्व में अमित शाह पिछले दिनों रायपुर आए हुए थे, उन्होंने 2026 तक के नक्सलवाद को जड़ से
खत्म करने का जो है वो संकल्प लिया, इसके लिए सरकार भी जुट गई है और विष्णुदेव साय स्वयं बस्तर में दौरा करके नक्सलियों की भूमिका को लेकर भी और जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसको कड़ाई से करने के लिए वो निर्देश भी किया। वही जो नक्सल प्रभावित लोग हैं उससे लगातार सरकार बात करती रही है। आज अगर पहल की बात देखें तो बस्तर से निकलकर जो पीड़ित हैं, आदिवासी हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं, जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरीके से वो देश के सामने अपनी आवाज़ को रखना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। किस तरीके से दशकों से उनके साथ शोषण किया जाता रहा है नक्सलियों द्वारा, ऐसे में बीजेपी की सरकार जो है वो बेहतर कदम उठा रही है। जरूर राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात उस खबर की जिसे न्यूज 18 के दिखाते ही प्रशासन एक्शन में आया और कार्रवाई की गई। दरअसल पिछले काफी समय से सरकंडा के नूतन चौक, मुक्तिधाम चौक और पुराना सरकंडा के स्कूलों के पास दुकानों में नशे का सामान बेचा जा रहा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया और अब इस मामले में प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों में छापेमारी की और नशे का सामान बरामद कर लिया गया। वहीं कलेक्टर अवनीश शरण ने 12 विभागों की टीम गठित कर नशे के अवैध धंधे पर लगाम लगाने के निर्देश दे दिए हैं और इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो ये तस्वीर आप देखिए और आपको याद होगा कि कल ही न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां पर खुलेआम पुड़ियों में गांजा सप्लाई हो रहा है और स्कूलों के पास दुकानों में नशे का सामान बेचा जा रहा है, सरकारी दफ्तरों के बाहर नशे की पुड़ियां बेची जा रही हैं, सूखे नशे की चपेट में ज्यादातर युवा आए हुए हैं और ये सब कुछ संचालित हो रहा है उन तमाम शैक्षणिक संस्थानों के सामने, सरकारी संस्थानों के सामने, जहां पर तो इसको नजर भी नहीं आना चाहिए। और ये जो गांजे की पुड़िया, छोटी छोटी पुड़ियां सप्लाई की जा रही हैं युवाओं में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुकी है और इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, दुकानों से नशे का सामान बरामद किया जा चुका है। कलेक्टर अवनीश शरण ने 12 विभागों की टीम गठित कर नशे के अवैध धंधे पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। संवाददाता उमेश जुड़ गया। उमेश, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है? न्यूज 18 ने एक खबर प्राथमिकता से दिखाई थी कि सरकारी जो दफ्तर है उसके सामने लगे एक ठेले से गांजे की जो पुड़िया है वो बेची जा रही थी। ये एक दो दिन की बात नहीं है, पीते कई महीनों से ये जो है वहां पर गांजे का जो खेल है खरीदी बिक्री का वो चल रहा था, जिसे स्टिंग करते हुए हमने उस खबर को प्राथमिकता से दिखाई, जिसके बाद जिला प्रशासन उस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो स्कूल है, जो कॉलेज है, वहां से 100 मीटर की दूरी में चाहे वो तंबाकू, सिगरेट, जो अन्य ऐसे की सामग्री है उसको खरीदी बिक्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। इसके लिए जिला प्रशासन ने 12 विभागों की एक टीम गठित की है, जिसमें कलेक्टर भी है, एसपी भी है और ये जो टीम है अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में गृह मंत्री विजय शर्मा ने निर्देशित किया है कि नशे के कारण जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाना जरूरी है, यही वजह है कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन छोटे छोटे जो गली मोहल्ले हैं, जो जहां पर छोटे छोटे गुमटियां हैं, ठेले हैं, वहां पर पुड़ियों के जरिए जो है नशे, सूखा नशा जो बेचा जा रहा है उसकी जद पर युवा लगातार आ रहे हैं और यही वजह है जो अपराध को घटित करती है। इसलिए जिला प्रशासन ने इसे भी गंभीरता से लिया। चूंकि न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई थी, प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक टीम गठित की है और जहां भी इस तरीके के मामले निकलकर सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी पर दो दिन से लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है और बिलासपुर के सरकंडा नूतन चौक, यहां पर जो स्कूल है वहां पर जो अवैध रूप से सामग्री जो है नशे के बेचे जा रहे थे उस पर कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आपको उमेश तमाम जानकारी के लिए। और अब इस तरीके से एक्शन लिया जा चुका है और आगे भी लगातार कार्रवाई की बात कही गई है। रायपुर में सीएम जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम साय ने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश से अब जिलों में ही स्थानीय समस्याओं का समाधान हो रहा है। कई लोगों ने इसके लिए सीएम के सामने आभार जताया है। सीएम साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को राजधानी न आना पड़े।
रायपुर में हड़ताल पर गए नगरीय निकाय कर्मचारी। 3 दिन के आंदोलन पर नगरीय निकाय कर्मचारी 6 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल पर 13,000 नियमित कर्मचारी मौजूद हैं और हड़ताल पर 17,000 प्लेसमेंट कर्मचारी भी मौजूद हैं। आप ये देखिए, जहां हड़ताल स्थल पर तकरीबन 30,000 कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और ये नियमितीकरण साथ ही वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर लगातार 3 दिवसीय धरने का आह्वान किए हुए हैं और इसमें जो परमानेंट की मांग की जा रही है 6 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें परमानेंट किए जाने की मांग सबसे प्रमुख है। हड़ताल पर 13,000 नियमित कर्मचारी हैं, 17,000 प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जो कि अपनी प्रमुख 6 मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना पर मौजूद हैं। बिलासपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और इससे सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। अब सड़क पर कूड़े के ढेर दिखने लगे हैं। सफाई कर्मियों ने वेतन बढ़ाने और समय से वेतन देने की मांग की है, जिसके लिए प्रशासन के साथ बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए, क्या 2 महीने का खर्चा चल सकता है? महंगाई, जो महीने का 1 लाख कमा रहे उसके लिए भी वही है, जो 7,000 कमा रहे उसके लिए भी वही है। हम लोगों की मांग है पेमेंट को लेकर, हम लोगों को मतलब पेमेंट हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। हम लोग खाली इतना चाहते हैं कि हम लोगों का पेमेंट बढ़ाया जाए। हमारी पेमेंट बढ़ जाएगी तो हम लोग काम जैसा सुचारू रूप से चालू रखेंगे। 6 साल हो गए सर कंपनी आई, लाइन सर्विस बोलता जाता है कि तुम काम करो, तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, यहाँ पेमेंट नहीं देते और ऊपर से हर महीना पेमेंट कम आती है। किस रेट में पेमेंट देता कुछ पता नहीं रहता है। इन्होंने हमें कहा है कि हमारी सैलरी टाइम से होनी चाहिए, ठीक है जी, सैलरी देर से, वो कोशिश करेंगे पूरा सैलरी टाइम से करवाएंगे। इन्होंने कहा हमें हाफ डे जब जाएंगे तो हाफ डे की हाजी कटनी नहीं चाहिए। देखिए, वो रूल सरकारी नियम होता है, 10 बजे को जाएगा छुट्टी करके तो हाफ डे तो हर किसी का लगता है वो, ठीक है जी। दूसरी इनकी मांग है सामान को लेकर, सामान की सुविधाएं को जल्दी उपलब्ध करा दी जाएंगी। खबर रायपुर से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रायपुर के डूमर तरई स्थित सब्जी मंडी में नगर निगम पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले डूमर तरई और देवपुरी के आसपास के लोगों ने अतिक्रमण का जमकर विरोध किया था। विरोध के बाद निगम ने सब्जी मंडी की समिति को नोटिस थमाया था। अब प्रशासन अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चला रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रायपुर की डूमर तरे स्थित सब्जी मंडी में नगर निगम पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ दिन पहले डूमर तरई और देवपुरी के आसपास के लोगों ने अतिक्रमण का विरोध किया था, जमकर विरोध किया गया था और विरोध के बाद निगम ने सब्जी मंडी की समिति को नोटिस भी थमा दिया था। सोचा था कि 22 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे थोड़ा उग्र रूप में, अब करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा ये क्लियर नहीं होगा, हम टैक्स दे रहे हैं, हम नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हमको सुविधा नहीं मिलेगा, ये कोई बात नहीं हुई मैडम। नहीं, ये कोई पहली बार कार्रवाई नहीं हो रही है। हम यहाँ पिछले कई महीनों से रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी सब्जी मार्केट जो लगती थी रोड में, उस रोड को हमने क्लियर कराया है। अवैध ठेले पहुँचे थे उसको भी मैंने हटवाया है। रूटीन कार्रवाई थी हमारी, करते रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर गाड़ियों भी अव्यवस्थित रूप से खड़ी हो रही है, रोड दोनों तरफ जाम हो जा रहा है, तो वर्धमान नगर वाले इसको लेके कई समय से इसकी मांग भी कर रहे हैं और अभी मांग इनके आंदोलन तक आ गई है, तो एक रूटीन प्रोसेस तक हमें कार्रवाई कर रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। अंबिकापुर में चोरों का आतंक फैला हुआ है। नए बस स्टैंड के पास 2 दुकानों में लाखों की चोरी हो गई। चौपाटी में 1 दिन पहले भी कई दुकानों में चोरी हुई थी। चोरी की बढ़ती घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अंबिकापुर में चोरों का आतंक फैला हुआ है। नए बस स्टैंड के पास 2 दुकानों में लाखों की चोरी हो गई है। चौपाटी में 1 दिन पहले भी कई दुकानों में चोरी की घटना हुई है। चोरी की बढ़ती घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कवर्धा से खबर है, जहां लोहारी डीह कांड में बंद कैदी की मौत के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एडिशनल एसपी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री ने बताया कि पूरे मामले की जांच होगी। तो जेल में बंद कैदी की मौत के बाद से पुलिस की कार्यशैली पर परिजनों ने आरोप लगाया है। कवर्धा का पूरा मामला है, जहां पर लोहारी डीह कांड में एएसपी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जानकारी दी है और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजे की भी बात कही गई है। दरअसल आरोपी जो है वो जेल में था और उसके बाद उसकी मौत से परिजनों ने काफी आक्रोश जताया और अभी एक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ का करीब आधा एरिया जंगलों से घिरा हुआ है और यही वजह है कि यहां जंगली जानवर बड़ी संख्या में नजर आ जाते हैं। ये आए दिन रिहायशी इलाकों में देखने को मिलते हैं और एक ऐसी ही तस्वीर कांकेर से सामने आई है, जहां जंगलों और पहाड़ों से निकलकर भालू का झुंड गांव और शहर की ओर पहुंचा। भालुओं के झुंड के रिहायशी इलाकों में पहुंचने से लोग परेशान हैं। पिछले दिनों रामनगर में भी एक ऐसा ही भालुओं का झुंड दिखाई दिया था, जिसे राहगीरों ने वीडियो में कैद कर लिया है। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें तेज़ चलता